ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत है एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 11th। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स के बारे में डिटेल में आपको बताया था। तो जो रेस्ट पार्ट हैं बायोमालिक्यूल्स को, उसको मैं अब डील करने जा रहा हूँ। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक मैक्रो बायोमालिक्यूल्स है, जो कई तरह के, तीन तरह के जो है वो माइक्रो बायोमालिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। यानी द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर दैट इज यूज इन न्यूक्लिक एसिड, वो तीन दो तरह के होते हैं, राइबोस शुगर एंड डी ऑक्सी राइबोस शुगर। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिखाया गया, दोनों का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये डी ऑक्सी राइबोस शुगर है और ये राइबोस शुगर है। देखिए यहाँ पर जो सेकेंड पोजिशन है, यानी एट सेकेंड कार्बन एटम इन राइबोस शुगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एडेड एंड इन डी ऑक्सी राइबोस शुगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एबसेंट। इन 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 प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओनली हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। इट मीन्स वन ऑक्सीजन इज लेस एट सेकेंड कार्बन एटम एंड दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड टी ऑक्सी राइबोस शुगर। नाउ कम ऑन द नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ टोटल फाइव टाइप्स विच में बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। और इनके क्लासिफिकेशन का क्या बेस है? प्यूरिन में देखिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, दिस वन इज द एडिनिन, दिस वन इज द ग्वानिन। एडिनिन एंड ग्वानिन बोथ हैव टू हेट्रोसाइक्लिक चेन, यानी टू हेट्रोसाइक्लिक चेन फ्यूज टू फॉर्म प्यूरिन रिंग एंड हियर ओनली वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज देयर। तो दिस इज पायरिमिडिन। इन केस ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन इज ऑफ टू टाइप्स, एडेनिन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, ग्वानिन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई जी, एंड पायरिमिडिन इज ऑफ थ्री टाइप्स, साइटोसिन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी, थायमिन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी एंड यूरेसिल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू। अब देखिए किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डी एन ए और आर एन ए। तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड में इन दो शुगर में से कोई एक पाया जाएगा। बेस में से प्यूरिन पाए जाएंगे, लेकिन पायरिमिडिन में से थायमिन और यूरेसिल में से कोई एक पाया जाएगा। यानी डीएनए में थायमिन पाया जाएगा तो यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा तो थायमिन नहीं पाया जाएगा, बाकी जो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन है वो प्रेजेंट रहेंगे। और फास्फोरिक एसिड कॉमन है, आरएनए डीएनए दोनों में पाया जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इज ए कंपाउंड दैट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोस शुगर प्लस एडिनोसिन। राइबोस शुगर और एडिनिन जो एक बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, मतलब कोई भी राइबोस शुगर थायमिन को छोड़कर किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होगा। यहाँ एग्जांपल के रूप में दिखाया गया है कि व्हेन राइबोस शुगर रिएक्ट विथ एडिनिन बेस देन एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। सिमिलरली इफ द बेस इज ग्वानिन देन न्यूक्लियोटाइड विल बी ग्वानोसिन। इफ द बेस इज साइटोसिन देन द न्यूक्लियोटाइड विल बी, रिमेंबर साइटिडीन, यहाँ पर ध्यान देने की होता है, एडिनोसिन ग्वानोसिन साइटिडीन। और अगर यहाँ पर यूरेसिल है तो यूरिडीन होगा। थायमिन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, जूनो की राइबोस शुगर आरएनए में पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? अगर न्यूक्लियोसाइड में एक और कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड अगर जुड़ जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइबोस शुगर, एडेनिन और फास्फोरिक एसिड, ये तीनों कंपोनेंट मिलकर के एडिनोसिन मोनोफास्फेट बनाते हैं, जो कि एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह से ग्वानिन के साथ जो राइबोटाइड जो मतलब न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसका नाम होगा ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। राइबोज और साइटोसिन और फास्फोरिक एसिड, यानी न्यूक्लियोटाइड में अगर साइटोसिन बेस है तो उसका नाम होगा साइटिडिन मोनोफास्फेट, एंड इफ यूरेसिल इज प्रेजेंट देन द नेम विल बी यूरिडिन मोनोफास्फेट। अब यहीं पर मैं डीएनए का भी बता दूं, अगर राइबोस शुगर के जगह पे अगर डी ऑक्सी राइबोस शुगर हो तो नेम के आगे डी लग जाएगा और उसको हम लोग पढ़ेंगे डी ऑक्सी। जैसे अगर डी ऑक्सी राइबोस शुगर प्लस एडिनिन प्लस फास्फोरिक एसिड अगर हो तो यहाँ पे नाम होगा डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट।
उधर डी लग जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि वो जो डीऑक्सी वो न्यूक्लियोटाइड है। इसके बाद से अब देखेंगे कि जो यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इन द न्यूक्लियोटाइड। तो दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द शुगर एंड दिस वन इज द फास्फोरिक एसिड। बेस ज्वाइंट विद द शुगर बाई ए बॉन्ड डेट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड हियर शुगर ज्वाइंट विद द फास्फोरिक एसिड बाई ए बॉन्ड डेट इज कॉल्ड फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। सिमिलरली द सेम बॉन्ड इज हियर, दिस इज द पिरिमिडिन एंड दिस इज द प्यूरिमिड प्यूरिन। तो हियर द बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड हियर द बॉन्ड इज फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, एज आई अर्लियर टोल्ड यू न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। तो नाउ आई एम गोइंग टू डील डीएनए इन डिटेल। डीएनए क्या है? डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डी राइबो न्यूक्लियोटाइड और डी राइबोटाइड। इसका मतलब है कि जो डीऑक्सीराइबो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, ये तीनों कंपाउंड मिलके जो कंपाउंड बनाएंगे उसको हम लोग कहते हैं डी राइबो न्यूक्लियोटाइड आर डी राइबोटाइड। डी का मतलब होता है डी ऑक्सी, इसको हम पढ़ेंगे क्या, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आर डी ऑक्सी राइबोटाइड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेस में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो कॉमन है, लेकिन ये तो थायमिन है। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन द डीएनए, इट इज एबसेंट इन द आरएनए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखिए, जे डी वाटसन एंड एफ एस सीक्रेट द टू साइंटिस्ट इन 1951 प्रपोज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी जे डी वाटसन और एफ एस सी क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया और उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एंटी पैरेलल का मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ बोथ द चेन आर अपोजिट टू इच अदर। अब डायरेक्शन का क्या मतलब है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है उसमें डायरेक्शन होता है 3 to 5, यानी थ्री एक तरफ, थ्री इंड के तरफ हाइड्रोक्सिल, थ्री पोजिशन पर हाइड्रोक्स कार्बन के थर्ड पोजिशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा और फाइव इंड पे जो है न्यूक्लियोटाइड के कार्बन जो राइबो शुगर होगा उसके फाइव पोजिशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। तो इस बेस पर एंडिंग की गई है। तो एंटी पैरेलल का मतलब कि दो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, एक का डायरेक्शन 3 to 5 होगा तो दूसरे का 5 to 3 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो बेस जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ बेसिस, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस होंगे। तो शुगर और फास्फोरिक एसिड तो कॉमन होते हैं, बेस ही डिफरेंट होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो डिफरेंस होगा कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बेस, तो ये बेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक चेन का बेस दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कौन बेस किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो एडिनिन थायमिन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइटोसिन ग्वानोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कुछ और पॉइंट्स हैं डीएनए स्ट्रक्चर के, ये जो दो चेन होती है ये ट्विस्ट करके और हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है, यानी द टू चेन आर ट्विस्टेड विथ ईच अदर एंड फॉर्म डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। एंड जो एक हेलिक्स होगा, जो बहुत सारे हेलिक्स बनेंगे लेकिन जो वन हेलिक्स होगा उसकी लेंथ होगी 3.4 नैनोमीटर या 0.34 डिग्री अंगस्ट्रम, और एक हेलिक्स में 10 बेसेस होंगे और ये बेस इक्वी डिस्टेंस होंगे। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इट मीन दो बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 0.34 नैनोमीटर या 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम होगा। जो बेस होंगे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो बेस होंगे दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बेस से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जो जो बेसिस ऑफ द टू न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिनिन ज्वाइन टू थायमिन बाई टू हाइड्रोजन बॉन्ड, सिमिलरली साइटोसिन ज्वाइन टू ग्वानोसिन या ग्वानोसिन ज्वाइन टू साइटोसिन बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, हियर 2 इज शोन बट इट शुड बी 3। ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द डीएनए 2 नैनोमीटर। ओके, लेट्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें डीएनए का, तो
डीएनए जो क्वाइलिंग होती है वो एक इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग होती है, और इसका जो डायमीटर होता है जैसे कि आपको पहले बताया था 2 नैनोमीटर, और जो द टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्वाइल टू फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर एंड द लेंथ ऑफ वन कम्प्लीट हेलिक्स, एंड वन कम्प्लीट हेलिक्स मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज वन कम्प्लीट हेलिक्स एंड द लेंथ इज 3.4, हियर द लेंथ ऑफ हेलिक्स इज शोन, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द लेंथ इज 3.4 नैनोमीटर एंड 10 बेसिस आर प्रेजेंट, यू कैन सी 1, 2, 3 एंड 4 एंड द फिफ्थ वन इज एट द जंक्शन, दिस इज नॉट ए जंक्शन, इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर द डायमीटर विल बी इक्वल एट एनी पॉइंट. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड, अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो द कंपोनेंट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड, हियर आई वुड लाइक टू अगेन टेल यू द बेस शुगर इज डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए, इन डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट बट इन आरएनए यू कैन सी हियर राइबोस शुगर एंड इन बेस इन प्लेस ऑफ थायमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट बट द फास्फोरिक एसिड इज सेम. नाउ द टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए इज थ्री टाइप्स, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. नाउ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, व्हाट आर मेटाबोलाइट्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल्स एंड आर यूज इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो जो कंपाउंड ऑर्गेनिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं. ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे एमिनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो दीज आर मेनली फाउंड इन द एनिमल टिश्यू एंड प्ले स्पेसिफिक रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. सेकेंडरी मेटाबोलाइट दीज आर मेनली फाउंड इन प्लांट फंगल एंड माइक्रोबियल सेल एंड द एग्जाम्पल्स आर एल्कलॉइड्स, रबर, इसेंशियल आयल, एंटीबायोटिक, पिगमेंट, सेंट, गम्स एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम. एंजाइम, वट इज एंजाइम, द एंजाइम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली प्रोटीनेशियस इन नेचर जस्ट लाइक कैटलिस्ट. एंजाइम्स एल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज आफ्टर रिएक्शन, क्या मतलब इसका हुआ, पहली बात देखिए एंजाइम्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मेनली प्रोटीन होते हैं. ओके तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन एंड दे अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज आफ्टर रिएक्शन, मतलब ये अल्टर करते हैं, यानी घटा भी सकते हैं और बढ़ा सकते हैं रिएक्शन रेट को. तो क्या होगा, एंजाइम्स आर द प्रोटीन विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज आफ्टर रिएक्शन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे एंजाइम्स इन्हांस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी कंजम्पशन ऑफ इटसेल्फ, यानी रिएक्शन में एंजाइम कंज्यूम नहीं होगा लेकिन ये रिएक्शन रेट को बढ़ा देंगे. ये दूसरी बात कि वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ एंजाइम्स आर यूज इन द रिएक्शन, थोड़ी ही मात्रा जो है क्या होती है इफिशियंट होती है रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए. एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, देखिए एंजाइम्स में स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जिसको हम लोग एक्टिव साइट्स कहते हैं, और एक्टिव साइट्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, वहाँ पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही फिक्स हो सकता है, इसीलिए एंजाइम्स को सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कहा जाता है, यानी हर एंजाइम हर किसी तरह के सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन नहीं शो करता है. एंजाइम्स कैन बी नेचर्ड बाई हीट, अगर टेम्परेचर एक बियॉन्ड ए लिमिट अगर टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है तो एंजाइम्स जो है क्या हो जाएंगे, डिनेचर्ड हो जाएंगे, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं थर्मोलेबाइल. यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस दिए गए हैं जैसे एक्टिव साइट्स हैं, एक्टिव साइट क्या होते हैं, अभी हमने बताया कि एंजाइम्स में कुछ स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट फिक्स हो जाते हैं, और फिर तो ये क्या गए, एवरी एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स वेयर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में फिट, ईच एंजाइम फंक्शन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच, हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन रेंज होता है, इसी तरह से पीएच भी रेंज होता है.
एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? कोई भी रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी पर होता है, जब दो रिएक्टेंट के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे रीच हो जाती है तब वो रिएक्शन होता है। द लेवल ऑफ एनर्जी एट विच ए रिएक्शन में टेक प्लेस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम क्या करता है? एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड सो कंडक्ट द रिएक्शन। जो एनर्जी लेवल होगा उसको काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी लेवल होगा उसको लो कर देता है। उसके बाद से यहाँ पे है क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनिक्लेचर ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। एंजाइम्स के नॉमिनिक्लेचर में देखिए, जैसे आप अर्लियर नेम्स देखेंगे प्रोपेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, तो दीज आर द एंजाइम्स विच डू नॉट फॉलो द रूल्स बट सर्टेन रूल्स आर कंस्टिट्यूटेड टू नेम द टू राइट द नेम ऑफ एंजाइम्स। एंड IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री adopted certain rules, proposed certain rules, and the enzymes, the total enzymes are grouped in 6 groups. इनको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है उस क्लासिफिकेशन का बेस जो है टाइप ऑफ रिएक्शन है। पहला ग्रुप है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ट्रांसफर इट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी द फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर कंपाउंड एंड दिस टाइप रिएक्शन इज कैटलाइज बाय ट्रांसफरेजेस। हाइड्रोलाइजेस, दिस आर हाइड्रोलाइटिक नेचर, यानी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इंटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस आर कॉल्ड हाइड्रोलाइजेस। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लाइजेस, ये दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। इसी तरह आइसोमराइजेस क्या होते हैं? ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं, कैटलाइज करते हैं। इसका मतलब है कि जो जैसे आप पढ़ेंगे बायोकेमिकल चेंज में कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में चेंज होता है, तो दोनों एक दूसरे का आइसोमर है एंड द रिएक्शन इन विच वन आइसोमर इज चेंज टू अनदर आइसोमर इज कैटलाइज बाई आइसोमराइजेस। द लास्ट ग्रुप इज लाइगेजेस। यहाँ पे आई होगा लाइगेजेस। लाइगेजेस में क्या होगा? जस्ट अपोजिट टू द लाइगेजेस, लाइगेजेस में बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, बॉन्ड, न्यू बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ओके, नाउ द नेचर ऑफ एंजाइम्स। नेचर ऑफ एंजाइम्स को देर आर टू थियोरीज आर गिवन टू एक्सप्लेन द एंजाइम एक्शन, लॉक एंड की थियोरी और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की थियोरी में क्या है? इट इज सजेस्टेड बाई एमाइल फिशर इन 1894। और इसको हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि सबसे पहले एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एंड नाउ एंजाइम स्टिमुलेट द चेंजेज इन द सबस्ट्रेट, एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म। व्हेन प्रोडक्ट इज फॉर्म एंजाइम बिकम फ्री फॉर टू कंडक्ट अनदर रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर उसके अंदर चेंजेज आएंगे सबस्ट्रेट में एंड सबस्ट्रेट इज चेंज इन टू प्रोडक्ट और एंजाइम फ्री हो जाएगा। तो दूसरी लॉक एंड की मॉडल। इसमें एक्चुअली एंजाइम्स के अंदर जो एक्टिव साइट्स होते हैं तो दे सच द एक्टिव साइट्स ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स आर डिजाइन इन सच वे दैट द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में फिक्स जस्ट लाइक लॉक एंड की। जैसे एक ताला को खोलने के लिए स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी तरह से हर सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम्स फिक्स होते हैं। दूसरा जो मॉडल है वो इंड्यूस फिट मॉडल है एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय डैनियल ई कोसलेट। अब इस मॉडल की क्या खास बात है? इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट स्टेज में इंटर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। और ट्रांजिशन स्टेज में सबस्ट्रेट के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं एंड प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। नाउ अनदर टॉपिक आई वुड लाइक टू डिस्कस
फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ये जो एंजाइम्स होते हैं इट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, केमिकल्स एक्सेट्रा। तो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। ओके, अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ को देखें, इन दिस ग्राफ द रिएक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज है। मतलब देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम होने के बाद फिर डाउन होने लग रहा है। तो यहाँ पर दो दो तीन चीज़ें ध्यान देने की चाहिए कि जो एंजाइम्स होते हैं वो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में अच्छी तरीके से काम करते हैं, मतलब देयर एक्टिविटी विल बी मैक्सिमम। एंड बिलो 25 डिग्री एंड आफ्टर 45 द एक्टिविटी डिक्रीजेस। एंड द रीजन, अगर हम 20 बिलो 25 देखें, 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जब कम होता है तो एक्टिविटी के डिक्रीज होने का कारण होता है एंजाइम का इनर्ट हो जाना। क्या होगा? एंजाइम का इनर्ट हो जाना। लेकिन 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर होने पर एक्टिविटी का डिक्रीज होने के पीछे रीजन होता है एंजाइम्स का डीएक्टिवेट हो जाना। ठीक है, क्या होगा? डीनेचर्ड हो जाना। क्या होगा? डीनेचर्ड हो जाना। इधर क्या होगा? इनएक्टिव हो जाना। इसी तरह से पीएच में भी 6 से 7.5 के बीच में ज़्यादातर एंजाइम्स जो है वो इफेक्टिवली वर्क करते हैं। एंड बिलो 6 एंड अबव 75 एक्टिविटी यू में सी द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज। तो दिस इज ड्यू टू द इनर्टनेस ऑफ द एंजाइम, यानी हाई पीएच और लो पीएच दोनों पर एंजाइम इनर्ट हो जाता है। ये हियर द इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट यू कैन सी। देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पर क्या है, ये टाइम है। तो एट द टाइम इंक्रीजेस, देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और एक पर्टिकुलर जो है वो इस पे आप देखेंगे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम हो जाती है और इसी को हम लोग कहते हैं वी मैक्स। ओके, यानी इनिशियली द रेट ऑफ सब जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, सॉरी दिस ग्राफ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अगेन। एट द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एंड एट ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाइएस्ट, दैट इज कॉल्ड वी मैक्स। एंड देन आफ्टर इफ वी एड सबस्ट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट चेंज। व्हाई? इसका रीजन यह है कि ड्यूरिंग रिएक्शन ऑल द एंजाइम्स आर कंज्यूम। सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे एंजाइम्स कंज्यूम होंगे, यानी वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जब सभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के रूप में फिक्स हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, सबस्ट्रेट विथ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज फर्स्ट एंड फाइनली रीचेज टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड फर्दर इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज ड्यू टू द फुली सेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। नाउ इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स क्या होते हैं? जो एंजाइम्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द सर्टेन केमिकल्स, यानी सर्टेन केमिकल में इनहिबिट द एक्शन ऑफ द एंजाइम एंड सच केमिकल्स आर कॉल्ड इनहिबिटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन। इसमें दो तरह के इनहिबिशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो है जो एंजाइम्स हैं जो सबस्ट्रेट इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर कंबाइनिंग विद द एंजाइम, यानी सबस्ट्रेट भी एंजाइम के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ केमिकल्स ऑल्सो ट्राई टू रिएक्ट विद द एंजाइम्स। तो व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स विद द एंजाइम देन एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम विल बी सीज्ड एंड सबस्ट्रेट विल नॉट बाइंड टू देम। तो यहाँ पर क्या है कि जो इनहिबिटर हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं टू कंबाइन विद द एंजाइम। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स टू द सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर
एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ग्रोथ ग्रोथ नहीं होगा यहाँ पे, इनहिबिट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, देन इट इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। केमिकल को हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहेंगे और प्रोसेस को क्या कहेंगे, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। यहाँ एक बार एक चीज एक बार मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इनहिबिटर्स सो क्लोज रिजेंबल्स विद द सबस्ट्रेट, सो एंजाइम्स में बाइंड विद द इनहिबिटर एंड दस द एंजाइम एक्शन इज स्टॉप। जैसे एग्जाम इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय माइलोनेट, यहाँ पे जो माइलोनेट है सक्सिनेट के साथ जो सबस्ट्रेट है उससे स्ट्रक्चर में क्लोज रिजेंबल्स शो करते हैं एंड दे कॉम्पीट फॉर एंजाइम विद द सक्सिनेट। नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इनहिबिटर्स इनहिबिट द एंजाइम एक्शन बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ एक्टिव साइट। देखिए एंजाइम्स में जो एक्टिव साइट्स होते हैं उसको इस तरीके से चेंज कर देंगे कि वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके के जो है केमिकल जैसे एंटीबायोटिक्स या डीडीटी हैं वो एक्टिव साइट्स को चेंज कर देते हैं सो दैट एंजाइम्स कैन नॉट बाइंड विद सबस्ट्रेट एंड एंजाइम एक्शन विल स्टॉप। एलोस्टेरिक क्या है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन जिसको फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं, इसमें यहाँ हम एक रिएक्शन के द्वारा इसको समझा सकते हैं कि ग्लूकोज रिएक्ट विथ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोज 6 फास्फेट इज फॉर्म। इस रिएक्शन में हेक्सोकाइनेज एंजाइम कैटलाइज कर रहा है लेकिन जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ता है वो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को रोक देता है जिससे इसका कन्वर्जन रुक जाता है, तो ये फीडबैक इनहिबिशन भी इसको हम कह सकते हैं। नाउ सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रोटीन्स एंजाइम्स। देखिए एंजाइम्स में मेनली प्रोटीन के बने होते हैं लेकिन कंजुगेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं, अगर एंजाइम्स कंजुगेटेड प्रोटीन के बने हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट, तो द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है वो विटामिन्स भी हो सकते हैं, कुछ और केमिकल्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं जैसे कैटायंस भी हो सकते हैं, जैसे वो आयंस भी हो सकते हैं, तो उनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप की क्या खास बात है, ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ कोफैक्टर विच टाइटली बॉन्डेड विथ एपो एंजाइम एंड आर यूजुअली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनकी खास बात यह होती है कि ये एपो एंजाइम जो पार्ट है उसे टाइटली जुड़े होते हैं। जैसे हीम पार्ट है, कैटलेज एक एंजाइम है जो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है, तो उस कैटलेज में जो हीम पार्ट है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसी तरह से अगर को एंजाइम्स को देखा जाए तो को एंजाइम्स मेनली विटामिन से बने होते हैं और ये जब रिएक्शन शुरू होगा तभी ये ज्वाइन करते हैं, यानी को एंजाइम ज्वाइन द एंजाइम एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। जैसे NAD है, FAD है, FMN है, TPP है, ये कुछ ऐसे को एंजाइम्स हैं। इसके बाद से को एक्टिवेटर्स, जब नॉन प्रोटीन पार्ट कोई मेटल आयन हो तब उसको हम लोग एक्टिवेटर कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन है, मैंगनीज आयन है, ये अक्सर एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। तो दिस इज ये जो है दिस इज ऑल अबाउट द बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।